कृपया निज पदाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयतां वंदे नंद ब्रजस्त्रीनां पादर्णुमपीक्ष्णस जसां हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं जय श्रीकृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरुजी महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सपार्षद गौर हरि की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। भक्त विघ्न विनाशन कारिणी सिंहदेव की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। सर्वाभिष्टप्रदाता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय। ब्रजमंडल धाम की जय। ब्रजवासी भक्तवृंद की जय। ब्रजेश्वरी मदेश्वरी प्रणेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय। ब्रज देवीगण की जय। जय पुरुषोत्तम धाम की जय। पुरुषोत्तम देव की जय। पुरुषोत्तम व्रत की जय। व्रतवरणकारी भक्तवृंद की जय। चतुर्मास्य व्रत की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तम देवाय। दुंदुभी अस्थि प्रहरण सप्तताल अभिवेदन सुग्रीव राज्य दो बलिघाती बलिघाती सागर सोहसन सेतु बंधनकर्ता च विभीषण हितप्रद रावणादि शिरच्छेदी राक्षस अघोगनाशक। कहते हैं यहाँ पर पुरुषोत्तम देवी की महिमा। कहते जबकि लोग पाप कमाना शुरू करते हैं, झूठ बोलना, दूसरे को ठगना, कपटता करना और ये चुगली करना, विभिन्न प्रकार पाप जब कमाते हैं तो कहते हैं उनका अघोग उनका इतना घड़ा भरता है तो वो कैसे होता है उनके चित्तवृत्ति। कहते हैं वो राक्षस अर्थात सोचते हैं कि मैं कुछ भी करा तो उसका तो कोई दंड तो मिलता नहीं, अर्थात कोई कष्ट तो आता नहीं। पाप कमाऊँ, झूठ बोलूँ, दूसरों ठग लूँ, दूसरों जितना भी अन्याय करूँ तो उसका तो कोई हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात मैं सबसे बड़ा तपस्वी या मनुष्य या मेरा सामर्थ्य से युक्त हूँ। ऐसे अवस्था होता है वो व्यक्ति और प्रबल रूप धारण करते हैं। उस समय छोटे मोटे पाप ताप को कुछ गिनते नहीं। कहते हैं पुण्य भी भगवान ने बनाया, पाप भी भगवान ने बनाया। जैसे दुर्योधन कहता है कृष्ण से कहते हैं देखो भाई, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, तया ऋषिकेश हृदय स्थितेन जता हम करोसी तथा हम करूँगी। कहते मैं धर्म जानता हूँ, मेरा प्रवृत्ति नहीं है,
अधर्म जानता हूँ, छोड़ने की मन नहीं करता हैं, पाप ताप अधर्म सब जानता हूँ, मैं वही पालन करता हूँ। क्यों? आप तो हृदय में बैठे हैं ऋषिकेश, आप जैसे कराते मैं ऐसे करता हूँ, तो मेरे को क्या कसर है, मैं काहे को दुखी हूँ? आप करने वाला मैं करने वाला, आप मेरे को जो कराते मैं करता हूँ। कहते ऐसी जब चित्तवृत्ति हैं दुर्दशाग्रस्त होता है तो उन लोगों के लिए अब अधिक समय शरीर में रहने का गुंजाइश नहीं, अर्थात उन लोगों के लिए अब कृपा करना या उनको मदद करना, सहारा देना अब उचित नहीं। क्यों? वो अपने आप कितने लोगों के लिए दुखारी बनता है और शिकारी बनता है, कितनों का सर्वनाश करना उनको उस समय कष्टकर मालूम नहीं होता, उनका हृदय पिघलता नहीं, दूसरे के दर्द वहाँ तक पहुँचता नहीं। इसलिए उन लोगों के लिए क्या करना है? कहते हैं पुरुषोत्तम देव, कहते हैं शिरच्छेदी, तो उनका यदि सर का छेदन कर दे, वो बोले एक सर छेदन कर काट दोगे तो मैं दूसरा ले लूँगा, दूसरे काटोगे तीसरा ले लूँगा, कितना बार काट लोगे तुम? आप थक जाओगे, मेरा सर से मैं धड़ से अलग नहीं होऊंगा, क्योंकि तब जब करके सिद्धि करके सोचता है मैं तो अमर बन गया, अमृत गुटी पान कर ली, किंतु पाप का ताप का हैं ये जो मूर्ति है, यह मूर्ति अधिक समय सबके लिए कष्टप्रद नहीं होता हैं। सबका जो आहा अभिशाप बद्दुआ ये सब संग्रह करते करते आखिरी में क्या होता है? आखिरी में सबके अभिशाप के कारण उनका अब जन्मवरण से भी रहित होकर के महाकालपुरम में उनका प्रवेश और वहीं जाकर के निर्वाण प्राप्त कर लेता है। उससे आगे उनको कोई और सुजुग सुविधा नहीं मिलता। जम के घर में जाना नहीं है दंड भोगने के लिए और सुधर कर फिर दोबारा जन्म लेना है, ऐसा भी नहीं होता, उनका ये आखिरी हो जाता है और जाके महाकालपुरम में महाप्रलय काल तक वहीं निर्वाण अंधकार तमसाच्छन्न होकर के पड़ा रहता है। तो कहते कि भगवान स्वयं जब विभिन्न अवतार के साथ जगत में प्रकट आविर्भाव होते हैं तो एक साथ में कितना कार्य करते हैं? कहते यदि समुद्र देवता का वरुण देवता अभिमान हो गया, क्योंकि एक तिहाई समुद्र हैं, एक चौथाई केवल पृथ्वी में स्थान है, तो उनके अंदर इतना अभिमान है, जब रामचंद्र समुद्र किनारे आकर के उनसे प्रार्थना किया कि मुझे रास्ता दे दो, मैं उस पर जाऊंगा, किंतु समुद्र सुने ही नहीं। आखिरी में रामचंद्र ने बाण उठा लिया कि मैं तुम्हारा सब पानी सुखा दूंगा और पूरा रास्ता ही रास्ता हो जाएगा, पूरा सब सबके लिए व्यवहार योग्य बन जाएगा। उस समय समुद्र देवता आकर के हाथ जोड़ करके उपहार के साथ रामचंद्र से प्रार्थना करने लगे कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप मर्यादा को तोड़े नहीं, आप मेरे ऊपर सेतु बांध लीजिए और आप उस पर जाइए, आप क्योंकि आपके नाम में इतना सामर्थ्य है, शक्ति है, समुद्र मेरा जल क्या करेगा, आप कहीं भी गमनागमन कर सकते हैं। तो उनके अनुयायी सब ने राम के नाम लिख करके पुरुषोत्तम देव का समुद्र के ऊपर जो कुछ छोड़ दिया, तैरने लग गए और मां शक्तिशाली हो गया। कहते हैं रामचंद्र जी जब
लंका में गए तो विभीषण आदि से मिला और रावण के निकट खबर भी भेजा कि अनर्थ से अब तुम लड़ाई मत करो, किंतु वो शांतिप्रिय नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रामचंद्र केवल सीता जी के उद्धार के लिए नहीं गए। हाँ, सीता जी तो चाहते एक चुटकी से ही रावण के वंश ध्वंस करके सीता जी महाप्रलय भी मचा दें, किंतु वहाँ पर सारे देवताओं को पकड़ पकड़ करके किसी को तो अपने वरुण देवता को बोला तुम हमारा लंका को धोओगे, अग्नि देवता को तो बोला तुम रस्सी बनाओगे, हाँ, और वायु देवता को बोले तुम झाड़ू लगाओगे, हाँ, सब देवताओं को पकड़ करके रख दिया। और सबसे कष्टप्रद है शिव ठाकुर के बोला सारा रात भर पहरा दोगे, और दुर्गा देवी को बोले हमारा गेट कीपर हो गए, संत ही पहरेदार होकर के यहाँ ही रहोगे चिरकाल, कहीं नहीं जा सकते। तो सबको कब्ज बसबूत करके और कुछ राज करने लग गए। तो उस समय रामचंद्र जी केवल यही नहीं, ऋषि महर्षियों को बोले या तो हमारा नौकरी करो, नहीं तो कर दो, नहीं तो हमारे इच्छा के अनुसार चलो, आज यदि नहीं तो हमें कर दो। तो कर क्या देंगे, हमारे पास कुछ है नहीं, ऋषि महर्षि कहते हैं तो बोले तुम्हारे पास शरीर में खून है, खून दे दो, घड़ा भर करके खून दो, हम उसी को पियेंगे, तुम्हारा खून में बड़ा शक्ति है, तपस्या बहुत किया, इसलिए वो खून जब हम पियेंगे हमारे अंदर सारी शक्ति आ जाएगा। हाँ, तो किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए रामचंद्र स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम बाली भी बलवान और अत्याचारी क्या किया, सुग्रीव को भाग करके उनकी पत्नी छोटे भाई की पत्नी को लेके अपने भोग करने लगी। जितना अनर्थ अर्थ आने पर उनके अंदर प्रवेश करता है, अर्थ परमार्थ में लगाना बड़े कठिन काम। तो बाली सुग्रीव को मारने मरने को तैयार, वो तो मातंग ऋषि के आश्रम में जाकर छिप गया था, नहीं तो कब की मार डालता। हाँ, तो दोष हो सकता है, गलती हो सकता है, सुधरने के लिए सुजोग देना चाहिए या क्षमा करना चाहिए, नहीं सब लूट लिया और तुमको भी जान से मार डालूँगा, जीने नहीं दूंगा तुमको। हाँ, तो ये जो क्रोध है इससे रामचंद्र जी ने बाली को बोला तुम्हारा बल कब तक रहेगा और कब तक दूसरे को सताओगे और भोग करोगे, इसलिए बाली को भी मारा, इधर सप्तताल विभेदन किया और दुंदुभि आदि के जो अस्थि था उसको भी उन्होंने उड़ा दिया। कहते हैं कि सीता देवी एक साल तक अशोक वन में वहाँ पर जाके विराजमान रही और कोई पानी भी नहीं, खाना भी नहीं, हवा भी नहीं, केवल रामचंद्र जी का ध्यान किया और स्मरण किया, उनका नामों का जप किया। उसके कारण स्वरूप रामचंद्र जी को आना पड़ा लंका में और उनके साथ साथ में विभीषण भी उस राम नाम का सिद्धि किया। इससे पहले तो सीता देवी आई, सीता माता, फिर बाद में रामचंद्र को भी आना पड़ा। तो भक्तों के भजन में बहुत शक्ति होता है। हनुमान जी ने रात को देखा अंधेरे में कि वो राम नाम जप करते हैं, हनुमान जी हैरान हो गए, ये लंका में यहाँ भी कोई राम नाम जप करता है, जाकर चुपचाप बैठ गए, सुनते रहे, ओ ध्यानस्थ हो सब समय जप करता है। तो एक दिन रावण पकड़ लिया विभीषण को, ए किसका नाम जप करता है, तो बोले आपका नाम जप करता हूँ, बोले मेरा नाम कैसे जप करता है, ये किसका नाम जप करता है, मेरे शत्रु दुश्मन का, बोले नहीं नहीं आपको पता नहीं,
आपका नाम ही तो जप कर रहा हूँ। बोले कैसे? बोले रावण का रा और मंदोदरी का म तो हो गया राम, हैं तो मैं तो आपका और भाभी का नाम जप करता हूँ और किसी का नहीं। आप है रा और वो है म, बस दोनों मिल करके रावण मंदोदरी हैं, तो मैं तो आपका ही जप करता हूँ, तप करता हूँ। किंतु क्या करें, दुष्टों के साथ सरल नहीं बन सकते, कपटों के साथ सरलता करेंगे ना वो और उल्टा पड़ेगा, इससे जैसे को तैसे चाहिए। तो फिर बोले अच्छा भैया, चिरकाल तेरा जय हो, वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, हाँ किंतु समझाने गया तो दे लात, बोले जा देश से निकल जा, बोले देश निकाल कर दिया और मार काट कर दी। किंतु तब देखा अब मैं जाऊँ अब रामचंद्र जी को बुला के ही लाऊँ, क्योंकि ऐसे ये इनका सुधार होगा नहीं। ये लंका में जब तक राम का चरण नहीं पड़ा और सीता देवी आ तो गई, तब क्या किया रामचंद्र जी को जा कर के हैं विभीषण बुला कर ले आए उनको और उनके कुछ संगी साथी जा कर के उनको श्रीलंका में ले आए। कहते हैं सीता भय प्रदाता च पुष्प का आगमन उत्सुक अयोध्यापति अत्यंत सर्वलोक सुखप्रद। जब रामचंद्र जी लंका में विभीषण को राजा बना करके और पुष्पक विमान में चढ़ करके अयोध्या में आए, सब राम राज्य बनाया, केवल अपने सुख के लिए रामचंद्र जी अपने राज्य ग्रहण नहीं किया, प्रजाओं के सुख शांति, देवताओं के, ऋषि महर्षियों के और सभी प्राणी मात्र के लिए राम ने राम राज्य बनाया, अर्थात आराम का, राम कहने से आराम मिलेगा, तारक ब्रह्म नाम है। तो उन्हें सबको प्रसन्न करने के लिए, सुखी करने के लिए राज्य को स्वीकार किया, नहीं तो दूसरे लोग यदि राज्य स्वीकार करते, ग्रहण कर लेते हैं, राजा बनते हैं तो प्रजाओं को भोग करते हैं, और रामचंद्र ने राजाओं को भोग नहीं जोग कराया, हैं जोग युक्त तो किया उनको एक खुशी के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए सारे उपाय उन्होंने बताया, हैं सब कुछ उन सबके खुशी के लिए किया, इससे राम राज्य हुआ। हैं कहते राजते विराजते शोभते आराधते, चार काम राम ने किया, सबके दिल में राज्य किया, कोई भी राम से विरोधी नहीं है, क्यों? राम सबका काम करने वाला, सबका सेवक बने, ऐसा कोई नहीं है कि किसी की सेवा नहीं की हो, ऐसा कोई नहीं कह सकता, राम ने सबकी की, इससे सबके दिल में उनका राज्य अर्थात उनका जबरदस्ती करके राजा नहीं, सबके हृदय में राम राज्य है, राम जी के स्थान है। कहते राजते विराजते, और क्या किया, कुछ दिन कोई आता है रहता है तो अच्छा नहीं लगता, किंतु राम को निकालने में उनको कष्ट होता है, दिल से निकाल नहीं सकते, वो विशेष रूप से उनके निकट पहुँच करके इतना प्रसन्न खुश कर देते हैं, वो राम को छोड़ करके दुखी हो जाते, आराम नहीं, शांति नहीं, ओ एक तेली दिन भर तेल पिरोता है, हटहट करता है बैलों के पीछे, और आकर के रात शाम को जब नाता धोता है उसके पहले दिशा मैदान जाता है तो टट्टी करने बैठता है, तो वहाँ वो राम 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 जब करता है। हनुमान जी कहते दुष्ट कहीं क्या, सारा दिन कभी नहीं राम राम करता है और हमारे प्रभु को नहीं पुकारता है और टट्टी कर रहा है, यहाँ बैठ करके राम राम कर रहा है। हनुमान जी जाकर दे लात है, एक दो नहीं एकदम आगे पीछे देखा, ये मेरा लात खा करके भी टस से मस नहीं हुआ, बड़ा जबरदस्त है ये तेली, मैं तो सोच सामान्य है तो मार डालूंगा इसको, ये क्या कर रहा है, ये तेली तो हिले भी नहीं, इनको लगा भी नहीं कि मैंने लात मारा, वो तो राम राम और जोर से कर रहा है। अच्छा तो हनुमान जी अचंभे रह गए, क्या बात है, कैसा है ये? अब
जब आए लौट के रामचंद्र जी देखा, सब लोग बोले राम जी तो बहुत तकलीफ़ में हैं और बहुत दर्द है, कष्ट पा रहे हैं, तो आप कहाँ थे अब तक? आए तो देखा प्रभु जी राम जी बहुत कष्ट में, वो क्या बात है इतना दुख क्यों हैं? तो तुमने इतना मारा मुझे हैं, और पूछते हैं क्यों दुखी है, क्यों कष्ट है, हैं? तो मैंने मारा, बोले क्या किया, कितना लात मारा मुझे? बोले मैंने लात मारा, मैं पशु हूँ, मेरा पशु बुद्धि, मेरा बुद्धि ठीक नहीं, आप कृपा करके बताओ मैं कब मारा? बोले वो तेली जो राम राम कर रहा था टट्टी में बैठ करके, तो तूने उसके मारा नहीं? बोले मारा। बोले मेरा नाम और मैं कोई अलग हूँ हैं? नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, विचार करो तो सुजन मनोमाही। राम और राम नाम और राम तो अलग नहीं है, उसका समय नहीं, फुर्सत नहीं, जिस समय उसको जब फुर्सत मिलता है हैं, खाते सोते उठते बैठते नहाते धोते गिरते मरते हैं, सब समय तो भगवान को स्मरण करना चाहिए। तो मेरे को याद कर रहा है, मेरे को स्मरण कर रहा है, और तूने उस समय उसको मारना शुरू कर दी। देखा क्या, देख तेरा पैर का चिन्ह है कि नहीं मेरा पंजरा में और पीठ में, देख। हनुमान जी दुखी हो गए, प्रभु अब मैं ऐसे कुकर्म कभी नहीं करूँगा। तो कहते हैं राजते ब्रियाजते आराधते, उनकी आराधना सभी कोई कर सकता है, चाहे चंडाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, सबके साथ सब उनकी आराधना करते हैं। नहीं, वो सबकी आराधना करते हैं, सबकी, किसी को दुखी नहीं है। उस समय किसी एक समय एक कुत्ता आया राम दरबार में, रो रहा है, बहुत रो रहा है। तो राम जी सबका भाषा जानते, सबकी सेवा करते, तो पूछा गुरु जी, वशिष्ठ जी को पूछा, गुरु महाराज ये पूछिए इसको क्या दुख है, क्यों रो रहा है? तो गुरु जी ने पूछा, भाई तुमको क्या परेशानी है? तो बोले क्या करूं, मैं रास्ता में सो रहा था हैं, तो एक पंडित जा रहे थे, पंडित के हाथ में तो लाठियाँ जरूर होंगे और एक उनके बेत चाहिए ब्रह्मदंड। बोले ये मैं सो रहा था, इतना मारा, मेरा टांग तोड़ दी और मैं चल नहीं पाता हूँ, और मेरा हाथ नहीं, पैर नहीं, काम नहीं कर सकता, कहीं जाकर के वो लोग टट्टी फेंक देते हैं बिष्ठा, उसको खा करके मैं गुजारा करता हूँ, फिर भी मेरे पर इतना निर्दयी, मैं तो किसी को बुराई नहीं की, और मेरा टांग भी तोड़ो, मैं चल नहीं पाता हूँ। तो रामचंद्र जी ने बोला, गुरु जी कौन से पंडित ब्राह्मण उनको बुलाइए, उनको तो ब्राह्मण के शासन मैं नहीं कर सकता। तो बुलाया, तो पंडित जी महाराज इस पशु को, जानवर को क्यों टांग तोड़ दिया? बोले ये रास्ता में सो रहा था, रास्ता नहीं दे रहा था। तो कुत्ता कहते इतना बड़ा रास्ता है, मेरा शरीर कितना है, आप एक तरफ से जा सकते हैं, मैं सो रहा था, दिन रात भर मैं जगता हूँ, पहरा देता हूँ, और दिन में मैं सोता हूँ, मेरा धर्म है, हैं, दिन भर मैं रास्ते का राजा हूँ, रात का राजा, रोड किंग, रात भर मैं रास्ता में रहता हूँ, दिन में मैं सोता हूँ, ये फिर भी इतना सेवा करने पर भी मेरे को इतना मार डाला। तो अब बोले वशिष्ठ जी, बोले अरे तो आप ही बताओ इनको क्या दंड मिलना चाहिए। अच्छा, दंड मिलना चाहिए तो इनको भारतवर्ष में सबसे बड़ा मठ है कालिंजर मठ, कालिंजर मठ के महंत बना दो। वो तो ब्राह्मण तो सुनकर ही खुश हो गया, राम दरबार में जो कहते हैं वो तो मिलेगा ही। और बोले बारे मैं गरीब ब्राह्मण और अनपढ़, गलती मैंने करी, और दंड मुझे क्या मिला, वो मंदिर का महंत, इतना बड़ा महंत। तो गुरु वशिष्ठ जी ने पूछा, अरे ऐसा क्यों, इतना उनके लिए अभिशाप नहीं, दंड नहीं, वरदान क्यों मिला, दे दिया? तो बोले पहले जन्म में मैं कालिंजर मठ का महंत था, और
इतना बड़ा महंत जो कुछ आता मरा जिब्बा लपलपाता और उसी को ही है इधर उधर हेर फेर करके सब हजम करता। और उस पाप का फल भगवान के ब्रह्म द्रव्य संपत्ति मैंने सबरे लूटा, सबरे हजम किया है। अब कुत्ता जन्म हुआ, जीवा लपलपाता है, खाने को कुछ नहीं, बिष्ठा खा, बिष्ठा भोजी बनना पड़ा। भगवान के संपत्ति जी भगवान के लिए लोग देता है, तुम्हारे लिए हमारे लिए कोई नहीं देता, और उसमें तुम्हारा हक क्या है। किंतु उसमें बुद्धि मारी गई, नहीं सोचा, सब अपने पेट भरा, अपना तन मन भरा। अब सड़क में कुत्ता होकर के अब जीभा लपलपाता है, सर्दी गर्मी में बिस्टा खा करके अब गुजारा करना पड़ रहा है। तो ये जब बनेंगे ना मन तो तब समझेंगे क्या दुर्दशा है, हमारे जैसे कुत्ता तभी बनेंगे तब उनका अकल आएगा। क्योंकि जब ही कांटा नहीं गड़ता तो उसके दर्द किसको अनुभव नहीं होता। इसलिए कहते चिरसुखी जन भ्रम की कखन व्यतीत वेदन बुझीते पारे कि जाता ना विषय बुझीबे से किसे कबू आसी विषय दंग से नहीं जा रहे। जो सांप ने किसी को खाया नहीं ना, कितना दर्द होता है, जलन होता है, और शरीर को कितना कष्टकर होता है, वो कैसे समझेंगे। तो जब ये कुत्ता बनेंगे ना तब समझेंगे। तो राम तो किसी को दुखी नहीं, सबको प्रसन्न करके रखते। तो इससे कहते आराध राजते बिराजते आराधते शोभते, और जिनके दिल में राम है ना वो सब समय शोभायमान प्रसन्न है, और जिसके दिल में राम नहीं है वो ही बेआराम दुखी है। राम को याद किया नहीं तो दुख के दरिया में तैरने के लिए जाएगा, दुनिया को याद करा तो गया जहाँ से है जहन्नम में गया। इससे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ओ सर्वलोक सुख प्रद हैं, समस्त केवल भूलोक नहीं, भूवलोक स्वर्गलोक महालोक जनलोक तपलोक अतल बीतल तलातल सुतल पाताल रसातल 14 भुवन यही नहीं, कहीं भी कोई भी वैकुंठ आदि में भी गमन करो तो राम परावस्था अवतार हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, और मर्यादा से अतिक्रम नहीं करने देंगे, जिससे कि मर्यादा में स्थिर रहे अर्थात आत्मधर्म में प्रतिष्ठित रहे, जड़ मनोधर्म में शरीर धर्म में भ के नहीं जाए, उसको सदा रक्षा करते हैं। अब कहते हैं मथुरा पूर्ण निर्माता सुकृतज्ञ स्वरूपद जनक ज्ञानगम्यस्य अलांत प्रकट श्रुति हह्यांत करो वामो दुष्ट खत्र विनाशक शुभवंश हितैक आत्मा जदु वंश विवर्धन। कहते हैं जब मधुपुरी मथुरापुरी मथुरा मंडल को निर्माण किया, हाँ रामचंद्र जी ने अपने छोटा भाई शत्रुघ्न को भेज दिया था, और यहाँ आकर के शत्रुघ्न जी ने यह मधुपुरी मथुरापुरी लवणासुर के हाथ से ले लिया। यहाँ पर बराहदेव को स्थापन किया, आते समय यज्ञ बराह श्वेत बराह कृष्ण बराह को लेके रामचंद्र जी ने दिया था, आकर मथुरापुरी को स्थापन किया। और यहाँ आकर के समस्त ज्ञान के जनक हैं, और उन्होंने राम जी के आदेश निर्देश उपदेश के द्वारा समस्त रामराज्य बनाया। ये नहीं कहा कि मैं राजा हूँ, मेरा मैं सेवक हूँ, दास हूँ, हम राम ही राजा है हैं। तो इसके बाद में जब समस्त असुर और दैत्य दानव राक्षस खर हैं सबको हटा करके राम राज्य स्थापना की, इसके बाद में जब क्षत्रिय लोग अधिक प्रजाओं को सताने लग गए तो उस समय परशुराम रूप में आया, वही पुरुषोत्तम उस समय उन लोगों को विनाश किया, भगाया और शांति स्थापना की। इसके बाद में चंद्रवंश में
स्वयं कृष्ण परब्रह्म आए। कहते हैं परब्रह्म अवतरण केशव क्लेशनाशन भूमि भारावतरण भक्तार्थ अखिल मानस सर्वभक्त निरोधात्मा लीला अनंत निरोधकृत भूमिष्ठ परमानंद देव की शुद्धिकार शुद्धिकारणम। कहते परब्रह्म परात्पर परमेश्वर हैं केशव, अब सबके क्लेशों को दूर करने के लिए, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए, भक्तों के मन को अर्थात उनके जितना इच्छाएं समस्त पूर्ण करने के लिए, और जो भक्तों के विरोधी और कुछ भक्तों के पालन पोषण के लिए, और प्रभु आकर के अनंत लीलाएँ की। कहते हैं जब आए सबसे पहले देवकी वसुदेव के समस्त दुखों को दूर किया। कहते वासुदेव ज्ञाननिष्ठ समजीव निवारक सर्ववैराग्य कर्ण स लीलाधार शोधक माया ज्ञापनकर्ता च शेष संभार समभृति भक्त क्लेश परिज्ञाता तन्निवारण तत्पर। कहते देवकी वसुदेव ने ऐसा क्या किया था कि उनको जेल के अंदर में आकर के और कष्ट उठाना पड़ा। कहते हैं देवकी वसुदेव विवाह करके जब घर जा रहे थे अपने, तो उस समय आकाशवाणी हुई तो उन लोगों को कंस पकड़ करके पहले तो मारना चाहा, बाद में जेल में बंद कर दिया, क्योंकि वसुदेव महाराज बड़े शुद्ध सत्य है, झूठ नहीं बोलते। बोले देवकी बहन को क्यों मारोगे, उन्हें बच्चों तुम्हारे लिए विरोध करेगा या तुम्हें नाश करेगा, तो बच्चों को तुमको दे दूंगा, तुम उसको मार देना। तब वसुदेव महाराज ने दे दी। किंतु देवकी एक दिन पूछते हैं वसुदेव महाराज को, हाँ कि हम लोग तो जेल के अंदर में हैं, हाँ, और चिरकाल हमारा यहाँ ही रहना पड़ेगा। तो वसुदेव महाराज कहे तुमको बड़ा कष्ट होता है, पर नहीं वहाँ बहुत शांति में है, क्योंकि यदि संसार में जाते कितनों को चापलूसी गुलामी नौकरी और करना पड़ता और प्रभु के स्मरण नहीं कर सकते। अब यहाँ हम 24 घंटा में कुछ नहीं, खाना नहीं पीना नहीं सोना नहीं नहाना नहीं कपड़ा धोना नहीं कुछ लेना नहीं देना नहीं, प्रभु के स्मरण करने का सुयोग मिला। और आप जैसे सत्संगी और इससे बड़ा क्या चाहिए, ऐसे आपके साथ में रह करके हमें कोई दुख नहीं, हम सब भूल गए हैं। आप सब समय प्रभु की स्तुति करते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रभु को हृदय में धारण करते हैं, और मेरे को मेरा कितना सौभाग्य है, मेरे को आपने और किसी काम में नहीं लगाया, और भगवान की कितनी दया कि ये जन्म सफल हो गया हैं। क्यों नहीं तो माया की गुलामी करना पड़ता, कितनों की चापलूसी खुशामदी करना पड़ता, कितनों के मन रखने के लिए हमें अपना जीवन नष्ट करना पड़ता। अब हम 24 घंटा में 24 घंटा स्मरण करते हैं, इसके लिए हृदय कैसा शुद्ध है। देवकी सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम सत्य से शुद्धिम परमात्मा भक्ति ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम। और उनके पास वसुदेव महाराज के पास शुद्ध सत्य है, ज्ञान वैराग्य सब कुछ है, और उस हृदय में भगवान स्वयं आविर्भूत हुए। देवकी कैसे शुद्ध है, इसे कहा वसुदेव ज्ञाननिष्ठ, हाँ जहाँ ज्ञान है अज्ञानता कैसे आएगा, और भयं परब्रह्म परात्पर परमेश्वर वही हृदय में आकर के उपस्थित हुए प्रकट हुए। कहते हैं सर्व वैराग्य, हम लोग तो संसार में रहने पर कितना कोशिश कर ले, हाँ एक दिन उपवास कर लिया, कोई लोग तो नवरात्रि कह करके 8 रात्रि करते हैं, 9 रात्रि भी नहीं, और फिर भी दिन जाए कैसे, और रात आते ही हैं मन ही मन कितनी चीज़ भोजन कर लेता है, कुछ सामर्थ्य नहीं है। और ये कैसे हैं, कितना रात बीतिया, कितना साल बीत गया, 10 साल बीत गए जेल में, कृष्ण आए तो
फिर दोबारा 10 साल बीत गए, 20 साल तक जेल के शिकंजे में, और वो भी मार काट, गाली, मान अपमान, हाँ, न पानी, न खुराक, न कुछ, फिर भी कभी प्रभु किसे हैं कुछ मांगा नहीं, और न प्रभु को उलाना दिया, और न प्रभु की बुराई की कि आप हमें ऐसे सता रहे हैं, ऐसा नहीं। कहते भूसदेव का ज्ञान ऐसे ज्ञाननिष्ठ, ऐसे वैराग्य हैं, हमारे पास सब कुछ है, किंतु हम हाँ वैराग्य अवलंबन नहीं कर सकते। यदि चातुर्मास से व्रत कर लिया, एक टाइम खाया, हाँ फिर 8 महीना 5 टाइम खाने को सोचते हैं, और एक टाइम यदि खाया 3 टाइम मन से अधिक और खाते हैं, जहाँ कचौड़ी सेकते हैं, कुआ सेकते हैं, वहाँ जाके गंदा लेने के लिए हम खड़े हो जाते हैं, तो हमारा वैराग्य कहाँ है। कहते हैं ओ भूसदेव महाराज क्या किया, ऐसे वैराग्य, ऐसे ज्ञान हैं, कभी प्रभु की निंदा नहीं। कितना दुख आया, प्रहलाद महाराज जी जैसे सहनशील है, किंतु भूसदेव महाराज देवकी और कितना उससे अधिक सहनशील है, हैं। कहते हैं माया ज्ञापन करता जो शेष संभार समृत्ति भक्त क्लेश परिज्ञाता तन्निवारण तत्पर हो। प्रभु हमारे उनको माया नहीं दी और दुनियादारी नहीं दी, अपने से अलग नहीं किया, प्रभु सब समय उनके उनका रक्षा और देखभाल किया। आखिरी में क्या हुआ, अभिष्ट भूसदेवांश देवकी गर्भभूषणम पूर्ण तेजमय पूर्ण कंसधीश प्रतापवान। प्रभु जानते हैं भक्त का क्लेश कितना है, कष्ट कितना है, इसे भूसदेव अभिष्ट हो गए, तन्मय हो गए, तदात्म हो गए थे। उसमें भूसदेव में अभिष्ट होने कारण परमात्मा भगवान स्वयं उनसे देवकी के गर्भ में पहुँचे और पूर्ण तेजमय हाँ पूर्णतम तर पूर्णतम अवतार लेकर के प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए, समस्त आश्चर्यों के साथ, हाँ चतुर्भुज और वस्त्र, केयूर, कंकन, हाँ माला और हाँ सब के साथ। तो उस समय देवकी भूसदेव महाराज स्तुति करने लग गए। विवेक ज्ञानदाता च ब्रह्माद्य ब्रह्मादि अखिल संस्कृत सत्य जगत कल्प तरु नाना रूप विमोहन भक्ति मार्ग प्रतिष्ठाता विद्वत मोह प्रवर्तक मूल काल गुण द्रष्टा नयनानंद भाजनम। कहते हैं विवेक ज्ञानदाता रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम और रूप में आए तो आदेश उपदेश निर्देश आचरण के द्वारा सबको सिखाया, और जब कृष्ण रूप में आए तो क्या किया, देखा आदेश उपदेश निर्देश से कितने लोगों के लिए हैं उपकार करेंगे, इससे क्या किया, ओ प्रभु स्वयं जंगलों में वनों में सब पशु पक्षी कीट पतंग सबके पास पहुंचने लग गए, वो गायों को लेकर गौचारण में जाने लग गए, सबको अपने कृपा शक्ति के द्वारा अपने नज़रों के नीचे अपने नेत्रों के द्वारा उत्सव उनके हृदय में और अपने रूपों के द्वारा दर्शन दे करके और उन लोगों को खुद स्मरण करके बेनु के द्वारा बुला करके कानों के अंदर मंत्र डाल दी, शक्ति डाल दी, बीज मंत्र और प्रणव और बीज मंत्र दे के सबको संस्कृत कर दिया, अपना लिया। इससे प्रभु स्वयं बेनु का सहारा ली, उनके पास सम्मोहिनी मोहिनी रंगिनी और मुरली बेनु बंसी कितने उनके पास, जैसे जैसे जरूरत पड़ता पशु के लिए तो कभी मुरली का व्यवहार किया, कभी बंसी का व्यवहार किया, किंतु बेनु केवल मात्र उन किशोरियों के लिए ब्रजदेवियों के लिए ब्रजवासियों के लिए व्यवहार किया। तो कहते हैं सबके हृदय में वो अपनी कृपा शक्ति को संचार करके सबको आनंद रस में
निमज्जित कर दी। कथे भूषदेव सुखब्दीश देवकी नयनामृतम पितृमात्र स्तुत पूर्व सर्ववृत्तांत बोधक गोकुल गति लीलाप्त लीलाप्त वसुदेव वसुदेव का वसुदेव कर स्थिति सर्वे सत्य प्रकटनो माया व्यती व्यत्य कारक कहते हैं केवल वसुदेव देव के लिए नहीं माता पिता का वंदना किया स्तुति किया गोकुल में आकर के और गोकुल के हैं गतिशील बना दिया सबको गोपीकुल गोकुल गाभीकुल गोकुल गोपाल गोकुल और समस्त वन के देवताओं को सबको प्रभु ने गतिशील कर दिया अर्थात सबके हृदय में रसस्त और उनको प्रसन्न कर दिया। कहते हैं माया का कोई भी वस्तु उनको प्रदान नहीं किया। ज्ञान मोहित दुष्टेश प्रवचन प्रपंचा स्मृति कारणम जसदानंदन नंद भाग्य भू गोकुल उत्सवम नंद प्रिय नंद सुनु जसदाया स्तनद्वय पुतना सुपयपाता मुग्ध भवाती सुंदर। कहते ब्रज में आकर जसदानंदन नंदनंदन और गोकुल का उत्सव स्वरूप बने गोकुल के समस्त गोकुलवासी सब लोग कृष्ण को प्राप्त करके सब लोग के लिए नयन उत्सव हो गया नामों का भंडारा चलने लग गया सब लोग उस नाम को भूल न सकते और न छोड़ सकते हैं। कहते हैं नंद प्रिय नंद महाराज हैं कि अत्यंत प्रिय और नंद सुनु कहते जसदा उनके जसदा माता के स्तनपान के बिना कृष्ण और कुछ हाँ और दूसरा कुछ ग्रहण करने के लिए उनका इच्छा भी नहीं और न चाहते थे। कहते पुतना आकर के जबरदस्ती बोले नहीं मेरा दूध भी पीना पड़ेगा तुझे बोले अब दूध तो है नहीं तो क्या दोगे तो बोले मेरे पास जहर है मैं जहर दूंगी ये ले लो जो है मेरे पास दूंगी पर ठीक है दे दो किंतु मैं छोड़ूंगा नहीं चिरकाल मेरे पास ही रहना पड़ेगा और माता की तरह मुझे पालन करना पड़ेगा सब कुछ दे दो मैं ले लूँगा किंतु मैं भी नहीं छोड़ूंगा इसलिए छोड़ा नहीं। क्या किया सुंदरी हृदयानंद गोपी मंत्राभिमंत्रित गोपाला सूर्य रसकृत सकटा सुरखंडन उनको ब्रज में मातृचित गति दे दी माता के अनुगत्य में आश्रम में रह करके सेवा करने के लिए और सबको क्या किया भगवान ने बंशी के द्वारा मुरली के द्वारा वेणु के द्वारा उनको मोहन मंत्र दे करके सबको अभिमंत्रित अर्थात सबको अपना बना लिया। जो कोई ऐसा नहीं कि उन कृष्ण का बंसी का ध्वनि सुनाया नहीं और जिसने सुना वही उनके मोहन मंत्र के द्वारा मोहिनी मंत्र के द्वारा मोहित हो गया और सब भूल गए और ऐसा रस उनको मिलने लगा और कुछ उनको चाहिए नहीं। इसमें सकटासुर आया और कितने और आए दुष्ट दानव किंतु कैसा हुआ नंद प्रजा जननंदी नंद भाग्य महोदय तिनावर्त बधो साहो जसोदा गया न विग्रह। कहते ब्रज में जो कोई आया ब्रज से लौट के नहीं गया सब लोग ब्रज में ही दुष्ट दानव भी सदा के लिए रह ही गया और सबका अज्ञानता दूर हो गया और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके पूर्ण समर्पित हो गया। वरभद्र प्रिय कृष्ण शंकरसन सहायवान रामानुज वसुदेव गोस्ंगन गति प्रिय। कहते हैं कि देखो बलभद्र प्रिय जिसके अंदर चित बल है जड़ बल घनस्थाई हैं ये बल चला जाए तो फिर नहीं मिलता उसके लिए कितना दवाई खा ले दारू पी ले कुछ भी करे वो बल नहीं किंतु बलभद्र चित बल देने वाला उनका बल कभी नाश नहीं होने वाला और वो बल से रोहित कभी नहीं और वो बल बलभद्र का प्रिय क्या है कृष्ण सेवा भगवत सेवा भक्त सेवा और क्या हैं भगवान के प्रिय कार्य करना तो शंकरसन सहायवान सबको आकर्षण करके बलदेव प्रभु ब्रज में
हैं, बल दे करके चित बल और सबको प्रभु सेवा में नियुक्त कर दिया। इसके उनका नाम रामानुज हैं, कृष्णा कृष्ण के नाम, राम का अनुज बलराम का छोटा भाई, वसुदेव के हैं गोष्ठांगन गति प्रिय हैं। कहते हैं यह ब्रज में गोष्ठ में सर्वत्र भ्रमण करने विचरण करने वाले हैं। किंकरी रव भावज्ञ वत्स पुच्छावलंबन नवनीत प्रिय गोपी मोह संसार नाशक। कैसे हैं यह ब्रज में सबके उपहार ग्रहण किया, क्या नवनीत मक्खन और कहते हैं जिसमें कोई मिश्रण नहीं हो सकता, जो कि हृदय को स्पर्श करने वाला। तो और ब्रज देवियाँ गोपियाँ ये संसार के मोह आसक्ति सबसे अतीत हो गए, क्योंकि कृष्ण के दर्शन, कृष्ण का सेवा, कृष्ण के लिए भोजन पान के द्वारा सदा के लिए उनके पास नौछार कर दिया अपने को। गोपाल भावज्ञ चौर्य विद्या विशारद मातृश मृत स्नात भक्कन लीला महात्मा ज्ञानदायक। कहते हैं भगवान सबके घर घर में जा रहे हैं और सबके हृदय को चोरी करके और चले आ रहे हैं, और यदि कहें कि तुम मिट्टी खाते हो तो कहते हैं नहीं, मिट्टी से तो सभी कुछ बना है, ये तो अमृत है, मिट्टी से फल फूल दूध दही घी मक्खन तुम लोग सब मिट्टी खाते हो, किंतु उसकी मिट्टी की निंदा करते हो, ये मिट्टी नहीं है, अमृत नहीं अमृत है। तो भगवान ने अमृत भक्कन करा और यह लीला रहस्य को सबको समझा कि ज्ञान कहाँ से आएगा, यदि तुम अपने रुचि के अनुसार कुछ ग्रहण करा कुछ निंदा किया। जो माता के गर्भ से जन्म लेता है और माता का यदि दूध पीता है फिर माता का निंदा करता है तो कैसा अकृतज्ञ है, कैसा द्रोही है। तो कहते हैं ये मिट्टी से दूध दही घी मक्खन अन्न औषधि सब कुछ देते हैं पृथ्वी धरती माता, और फिर सब कुछ लिया मिट्टी के शरीर में लग गया तो क्यों लगा, सब करो खा रहे मिट्टी और उससे द्रोह, मिट्टी में सब। तो कृष्ण स्वयं मिट्टी को खाया और खा करके साथ साथ में उनको माता को शिकायत की सबने, जशोदा माता को, जशोदा माता बोले मैं देखता हूँ तेरे मुंह में क्या है, तो देखा तो मिट्टी तो है नहीं, सारा विश्व ब्रह्मांड है। तो इसलिए वहाँ ज्ञान प्रदान किया और सब कुछ दिखाया। द्रा द्रोण प्रीतिकर्ता दधि भाण्ड विभेदन दामोदर भक्त बसो यमला अर्जुन भंजन। कहते हैं जो पृथ्वी देवी समस्त उपहार को दे रही हैं किंतु हम इतना अकृतज्ञ उनको गंदा चीज़ ही देते हैं, अच्छा चीज़ कुछ नहीं देते, सम्मान भी नहीं देते। और क्या कहते हैं मैं गृहपति हूँ, मैं भूपति हूँ, मैं पति हूँ, कितना अभिमान, दो दिन की ये आया दुनिया में और क्या कहते हैं मैं पति हूँ, कैसा खसम, तुम बेगम तो मम खसम, ये इससे संतुष्टि नहीं, फिर बोल मैं भूपति हूँ, सबका राजा मालिक हूँ, फिर बोल नहीं गृहपति हूँ और पृथ्वीपति हूँ, बाबा सबका मालिक मैं बनता हूँ। अरे दो दिन का नंगा आया और फिर गड्ढे के अंदर समाएगा दो दिन बाद, तो पृथ्वी हंसती है, कहते हैं जिससे जिसके गोदी में जन्म लिया जहाँ धरा में हम प्रवेश करेंगे तो उनका कोई सम्मान नहीं आदर नहीं, ऐसे अकृतज्ञ तो उसका परिणाम क्या होगा, तो खुद ही सब समय दुखी है और सब समय दंड के भागीदार है। भगवान दामोदर क्या किया, भक्त के वशीभूत होकर के ऐसे जमलार्जुन जो अभिमानी पाखंडी हैं सबसे विरोधी भोगी उन लोग को भी नारदी का विषय वृक्ष बने
वहाँ से भी उद्धार कर दिया। बृहद्वन महाचर्य वृंदावन गति प्रिय वत्सघाती बालकेली बकासुर निषूदन कहते हैं बृहद्वन में जो महावन में हैं वहाँ पर लीलाएँ की वृंदावन के सब गलियों में हैं वत्सासुर आदि जितना असुर आए बकासुर आदि सब लोग के दुर्दशा से मुक्त किया। सब लोग अभिमान और अपने अपने बुद्धि विवेक बलों का सब मालिक बने थे हैं, किंतु कृष्ण ने सबका यह दुर्गुण से मुक्त करके अपना लिया सदा के लिए चिरकाल के लिए हैं। आगे चल के किसके लिए दुखदायी नहीं बने, दुखारी नहीं बने और अपने आप ही उसका कर्मफल भोगने के लिए बाध्य न हुए, तो इस दुर्गुण से मुक्त करके शुद्ध करके उन्हें रख लिया। और न भोक्ता अभी अथवा बाल लीलापरायण प्रोत्साहजनक शैव अघासुर निषूदन। इसके बाद उन्होंने जंगलों में वनों में अपने बाल लीला का क्या किया, सब अभिनय शुरू कर दिया। उसके द्वारा सबके हृदय को आकृष्ट कर ली और सबके साथ हिल मिल गए। कोई नहीं कह सकता कृष्ण हमारा नहीं है और मैं कृष्ण से दूर हूँ। ये जो प्रेम प्रीति का बंधन है ये कहीं दुनिया में नहीं मिलता और न मिल सकता। हाँ, चार दिन की चांदनी फिर अंदर ही रात, दो चार दिन तो बड़े प्रेम मोहब्बत है और दो चार दिन बाद सब खत्म, किंतु कृष्ण नित्य है, आकर्षण करने का समर्थ है सबका, सबके साथ अनंत मूर्ति धारण करके स्थावर जंगमादि सबको बनाया। एक मूर्ति नहीं बने तो बने, सब बछड़े ग्वाल बाल बने, इतना ही नहीं ब्रज में सबको अपनाया, सबके साथ प्रीति किया। अब हम लोग काल सुनेंगे गौर प्रमाण।